Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Sri Sri Radha Braja Bihari Ki. इस धाम के धामी कहिए या इस हवेली के निवासी राधा ब्रज बिहारी लाल की कहा है घर के मालिक। अच्छा अच्छा अभी मालिक तो अभी हमने मालिक का तो अभी नाम लिया था, फिर अभी कह रहे कि दूसरा कोई मालिक है। ब्रज बिहारी के सेवक कहाँ हैं? कुछ कहना चाहते हैं या स्वागत करना चाहते हैं सभी अतिथि गणों का? या रुक्मिणी प्राण प्रो बुला सर, गौरांगी राधा माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, महाराज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज हवेली, दिस इज अ बेटर स्पीकर और स्पीकर से समथिंग इज अ टॉकर। बोलो, तुम भी कुछ स्वागत करो, कुछ कहो। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, या कुछ परिचय दो अपने हवेली का, कुछ क्या कहो समथिंग। एक्चुअली ब्रज हवेली नाम इसलिए दिया था बिकॉज हमारे डिटीज का नाम है राधा ब्रज बिहारी, श्री श्री राधा ब्रज बिहारी, सो उनका घर है, दैट्स व्हाई इट्स ब्रज हवेली ऑन हिज नेम। एंड गुरु परंपरा एंड ब्रज दर्शन आप सभी ने करे होंगे? नहीं, अभी तक नहीं। ओके, आप लोग प्लीज कीजिए। एंड सीरियसली जानवी एंड गोविंद माई टू किड्स, स्पेशली इट इज डन उनके लिए किया है, क्योंकि आउटसाइडर्स या डिवोटीज तो कभी कभार आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। जब से वो लगाया है एवरी डे दे आस्क मी, मामा वो कौन है, मामा ये कौन है, ये कौन सी प्लेस है, तो रिविजन उनका बहुत अच्छे से होता है। तो आई सीरियसली से कि अगर किसी को भी हेल्प चाहिए या एनीथिंग, तो आप लोग भी सब ये ट्राई कीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। थैंक यू आप लोग सब, आई लाइक नो वर्ड्स, एंड महाराज जी लाइक नो वर्ड्स, कोटि कोटि धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग का अभी कुछ हुआ नहीं है, नो प्लान्स, बट वी जस्ट थॉट कि महाराज जी आए तो दैट्स द बेस्ट डे एंड वी एंटर्ड। थैंक यू महाराज जी। उसके ऊपर कोई संकीर्तन भी नाम दिया ना, संकीर्त ब्रज संकीर्तन हवेली ऊपर है, ब्रज संकीर्तन हवेली भी है और ये सत्संग के लिए है और दर्शन के लिए और निवास के लिए ऊपर है। अच्छा, संकीर्तन भी आपने सभी ने किया। आनंद आया? तो यहाँ कोई अलग से प्रवचन भाषण सुना के प्रेरणा देने की आवश्यकता ही नहीं है, कीर्तन या जो आता है वो नाचने लगता है, कुछ डुलने लगता है, केवल तन तन से ही डुलता नहीं, उसका मन भी डुलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा वातावरण, ऐसे भाव यहाँ उत्पन्न किए हैं, या ऐसा ऐसी सोच ही रही है
इस ब्रज हवेली के सृष्टि के पहले से ही ऐसा भाव विचार हुआ। जय दीन गृहेते भजन देखी गृहेते गोलोक भाय, वैसे भी भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे कि जब मेरे घर में, भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य रहे लेकिन थे वे गृहस्थ थे, महान आचार्य और साथ ही साथ गौड़ीय वैष्णव आचार्य, संरक्षक, वैसे गौड़ीय वैष्णवों की संप्रदाय के रक्षक, संरक्षक भक्ति विनोद ठाकुर, तो अपने घरों में, अपने घर में वे जब भक्तों को बुलाते सत्संग के लिए और जब कीर्तन होता तो फिर उन्होंने गीत ही लिखे हैं अपने अनुभव, अपने साक्षात्कार, तो उसमें ये एक पंक्ति है जो उन्होंने लिखा है कि जे दिन गृहेते भजन देखी गृहेते गोलोक भाय, जिस दिन मेरे घर में कीर्तन होता है तो मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा घर बन गया है, गोलोक हो गया है। गोलोक जहाँ गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, गोलोक ही स्थान है जहाँ जहाँ श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं। और फिर वे वहाँ पर भी निवास करने लगते हैं जहाँ भक्त एकत्रित होके, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे न च योगिनां हृदये, शायद योगियों को मैं नहीं मिल सकता, या वैकुंठ से भी शायद कभी कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जा सकता हूँ, वहाँ भी नहीं मिलूँगा, लेकिन फॉर श्योर आप मुझे मिलना ही चाहते हो, एक मेरा परमानेंट एड्रेस है, नोट करो, वो क्या है, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि, जहाँ भक्त क्या करते हैं, कीर्तन करते, संकीर्तन करते हैं, और फिर वो संकीर्तन उनको नचाता भी है, नृत्य भी करते हैं और अपने भाव व्यक्त करते हैं, चेहरे पर भी भाव प्रकट होते हैं या कई शरीर में कई अंग उपांग की चहल पहल से पता चल सकता है कि कैसे भाव इस व्यक्ति के हैं। तो हमारे गौरांगी राधा रुक्मिणी, रुक्मिणी प्राण, एक द्वारिका से एक वृंदावन से, और यह विदर्भ में, तो यहाँ भी वैसे ईस्ट मीट्स वेस्ट कहो या द्वारका मीट्स ब्रज, हियर ब्रज के भाव भी है और द्वारिका का वैभव भी यहाँ है। द्वारिका में, अच्छा, दूसरे घर का नाम वैदर भी नारायण भी है, तो वैसे यहाँ दो घर है, टू इन वन लगते हैं एक ही घर, लेकिन अभी हम जाके देखें दो घर है, दो परिवार,
दो मंदिर भी है, दो नाम भी है। तो इन्होंने कुछ आदर्श, फिर अपने खुद के बच्चों के लिए भी आदर्श अभी बता रही थी गौरांगी राधा। ऐसे घर में जब भगवान ही विराजमान है, ठाकुर बाड़ी बंगाल में, अभी बंगाल से आए हम लौट ही रहे हैं, तो वहाँ ठाकुर बाड़ी चलती है। ठाकुर बाड़ी, बाड़ी मतलब वाड़ी, तो किसकी ठाकुर बाड़ी या उसे कहा, उसमें उसी में आ गया ठाकुर की बाड़ी, हमारी खुद की नहीं है ये बाड़ी। किसकी है बाड़ी, मतलब घर, घरदार, घर धन दौलत, इसको बाड़ी कहते हैं, वाड़ी या वाड़ा, वाड़ा वाड़ी, तो ठाकुर बाड़ी है। ये सारा ठाकुर जी का है। तो हुआ, और एक समय ऐसे गृहस्थ घर बनाते तो जरूर, लेकिन अपने लिए नहीं, ठाकुर के लिए घर बनाते, या गॉड के लिए, गॉड के लिए और फिर गेस्ट के लिए घर बनाते, गॉड एंड गेस्ट, भगवान और अतिथि, और फिर स्वयं उसी घर में रह के गॉड की, भगवान की और अतिथियों की सेवा किया करते थे। आजकल तो अतिथियों का कौन स्वागत करता है। एक समय था, द्वार पर लिखा रहता था, अतिथि देवो भव। अतिथि कैसे है, मानो देवता आ गए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम अतिथि, याद है सभी को भी। लेकिन वो अतिथि देवो भव के स्थान पर अभी दूसरा साइन बोर्ड क्या है, कुत्तों से सावधान। जमाना बदल गया जिसको कहते हैं, तो उसका ये एक परिणाम या दर्शन कहो। तो हुआ, यज्ञार्थ यज्ञार्थो कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान गीता में कहे, काम करने के लिए मना नहीं है, काम जरूर करो, कार्य जरूर करो, लेकिन हरि बो क्या करो, कर्मणा यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए। भगवान का एक नाम यज्ञ है, ये यज्ञ पुरुष है, यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए कार्य करो, अन्यत्र ऐसा नहीं किया तो लोकोयम कर्म बंधन, बंधन में हम जरूर फंसेंगे। और जो फिर हमने कार्य किया, परिश्रम करके घर बनाया, तो वो घर हमारे लिए बंधन, या शास्त्र में कहा है अंधकूपम, फिर वो घर बन सकता है कुआ, कुआ कुआ जानते हैं, वेल विहीर, कैसा कुआ, अंधकूपम, इतना गहरा वहाँ कोई प्रकाश ही नहीं पहुँच रहा है, वहाँ तक हम नीचे गिरे हुए हैं, अंधेरे में है,
अंधकूपम। तो वह प्रकाश में तो फिर भगवान के लिए घर बनाते हैं, अतिथियों के लिए घर बनाते हैं, फिर उस घर का मंदिर बनाते हैं। घर एक मंदिर है। या वैसे गृहस्थों को अपना अपने घर को या मंदिर बनाना चाहिए, या आश्रम बनाना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम नहीं, संन्यास आश्रम नहीं, लेकिन आपका भी आश्रम, आप भी एक आश्रम को बिलोंग करते हो, आप भी एक आश्रम के वासी हो। उस आश्रम का नाम है क्या है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम तो किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए वैसे मनुष्य को। और जो आश्रम में नहीं रहता वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि आश्रम में ही वैसे धर्म का पालन होगा। आश्रम में ब्रह्मचारी, आश्रम में ब्रह्मचारी अपने धर्म का, ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारी धर्म का, सन्यासी अपने आश्रम में सन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ तो वन में प्रस्थान करके वहाँ अपने धर्म का पालन करेंगे। तो गृहस्थों को अपने घर का आश्रम बना के वहाँ निवास करना चाहिए। तो किसी न किसी आश्रम में जरूर रहना चाहिए। आश्रम में नहीं रहे तो गृहस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ धर्म का पालन, गृहस्थ धर्म का पालन। या तो प्रकाश ही प्रकाश है इस घर में, अंधेरा नहीं है, लॉट ऑफ लाइट हियर, या फिर ये लाइट है, या श्रीमद् भागवत की लाइट है, श्री पुराण अर्क उदिता, गीता की लाइट है, गीता का प्रकाश है, गीता की ज्योति है, गीता हमको प्रकाश देती है, मार्ग दिखाती है। गीता लेके चलेंगे तो फिर जहाँ भी हम जाएंगे रहेंगे वह गीता का प्रकाश। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभूतस्तो ज्ञानदीपेन भाष्वता। ऐसे भगवान का है। जहाँ फिर गीता का अध्ययन होता, आश्रम बनाया तो आश्रम तो तभी बनेगा जब कोई साधना होगी, गीता का अध्ययन होगा, या भक्तों को बुलाएंगे और फिर कुछ भक्ति वृक्ष का कार्यक्रम होगा, कोई भक्ति शास्त्री, कोई शास्त्र, फिर उस शास्त्र से विधि विधानों का पता चलेगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम न वाप्नोति। भगवान स्पष्ट कहे हैं। तो गीता से जो ज्ञान, प्रकाश, मार्गदर्शन, प्रेरणा, तो भगवान कहते हैं कि जब कृपा होती है तो वे स्वयं ही व्यक्ति के हृदय प्रांगण में
ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। ज्ञान दीपे न भाष्वता। तो आश्रम बनाया तो फिर गीता का ज्ञान का प्रकाश और फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है। भागवत का प्रकाश, ब्रिलियंट अ सन। तो कलयुग में हम अपने दृष्टि को नष्ट कर चुके हैं। कलो नष्ट दृशाम ईशाम, हम अंधे हो गए। कलो नष्ट दृशाम ईशाम। लेकिन फिर भगवान ने विशेष कृपा की, हम अंधों के लिए भगवान ने क्या किया, एक पुराना अर्क अधुना पुराण अर्क उदिता। भगवान प्रकट हुए, श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे केवल भगवान के विग्रह की स्थापना नहीं है, तो कई ग्रंथों के ढेर, बिग लाइब्रेरी वहाँ ग्रंथालय भी देखा हमने। कोई न्यूज़पेपर का ढेर तो नहीं देखा, अब तक तो नहीं था। लेकिन गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जो गृहस्थ है, संघ से जुड़े हुए जो हाउस होल्डर्स गृहस्थ है, वे वैसे ऐसे ही ऐसे गृहस्थ ट्रेन किए जा रहे हैं। हमारे आंदोलन के अधिकतर सदस्य गृहस्थ आश्रम के सदस्य हैं, या देख लिए फ्यू सैफ्रन स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट नहीं कहूँगा, आपके वाइट स्पॉट्स है। तो वह कुछ मुट्ठी भरी गिने चुने सन्यासी होते हैं और ब्रह्मचारियों की संख्या थोड़ी और अधिक होती है, लेकिन उसके अधिक 10 गुना अधिक तो कौन होते हैं, गृहस्थ होते हैं विश्व भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अफ्रीका में भी गृहस्थ आश्रम के सदस्य बन रहे, गृहस्थ आश्रम। और फिर उसी गृहस्थ आश्रम में या घर का मंदिर बनाया तो भगवान के विग्रह की स्थापना भी होती है, या वैसे चित्र भी रख सकते हैं, उतना भी पर्याप्त है। तो फिर भगवान को भोग लगेगा, भगवान को नैवेद्य खिलाया जाएगा, और भगवान को खिलाए बिना कोई नहीं खाएगा, पहले भगवान को। तो ये हमारी संस्कृति रही, कोई मैंने ऐसा कह रहा था या कहीं लिखा था, एक संस्कृत हमारे देश का महिमा या गौरव संस्कृत भाषा है, और फिर संस्कृति है, संस्कृति है। तो संस्कृत भाषा और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। तो इस देश का, भारतवर्ष का ये गौरव है। तो भगवान के विग्रह को आराधना या आराधना के अंतर्गत भगवान को भोग खिलाए जाएंगे, और फिर परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। यही धर्म है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और इतना कर नहीं सकते,
धार्मिक बनना या योगी बनना, भक्ति योगी बनना, आपको कहीं गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। दाढ़ी लंबी और पेट मोटा ऐसा कुछ ये चिन्हों की आवश्यकता नहीं है। ये तो गौण चिन्ह है या गौण गुण है। घर में रहकर आप योगी बन सकते हो। अर्जुन कहा कि सन्यासी थे ना, तो ब्राह्मण भी नहीं थे, वे थे क्षत्रिय। वर्ण के दृष्टि से वो क्षत्रिय थे और आश्रम के दृष्टि से कौन थे? गृहस्थ आश्रम थे, गृहस्थ थे। तो उनको भगवान कहते योगी भव, योगी भव, योगी बनो, योगी बनो। लेकिन जो भी कार्य करते हो मेरे लिए कार्य करो। यत करोसि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, भगवान कहे। तो मनुष्य जीवन में सब सीखना होगा। ठीक है, आप तैयार नहीं हो ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन या संन्यास आश्रम के लिए, ठीक है, ओके। भगवान ने व्यवस्था की है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने विभाजन किया है समाज का, विभाजन चार हिस्सों में, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। शूद्र मतलब कुछ नीच ऐसी बात नहीं है ऐसा हम सोचते हैं। वे भी संसिद्धि हरितोषणम, वे भी हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। तेपि यान्ति पराम गति, भी भगवान कहे, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, तेपि यान्ति, अगर वे शरण में आते हैं ते वे भी पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाज का विभाजन चार हिस्सों में, यह है ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अलग अलग शरीर में अलग अलग पार्ट्स है, चार पार्ट हैं मेन पार्ट्स। द हेड है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, सप्लायर, और पैर असिस्ट करते हैं ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को, वैश्यों को मदद करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। विभाजन कैसे हुआ है? गुण कर्म के गुणों के अनुसार, मतलब सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये गुणों के अनुसार। और फिर जीवन का जो हमारी जो आयु है उसके भी चार हिस्से हैं, चार। पहला है ब्रह्मचारी, दूसरा पार्ट है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है, और गुड न्यूज ये है कि इस कलयुग में संन्यास लेना मना है। अच्छा, गुड न्यूज मैंने कहा। कुछ पांच बातें कही है, वर्जित है, अकरणीय है, नहीं करनी चाहिए। उसमें से एक है संन्यास। तो वह भगवत प्राप्ति के लिए सन्यासी ही होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम्यानाम न्यासम सन्यासम, काम वासना से मुक्त होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। फिर आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी, सन्यासी हो, काम से मुक्त, काम 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 वासना, लस्ट, काम जो हमारा शत्रु है, काम। तो काम के स्थान पर हमें
प्रेम को प्राप्त करना है। फिर इस युग में, कलयुग में, गृहे थाको वन्ने थाको सदा हरि बोले डाको, ऐसा ऐसा आदेश, ऐसा ऐसी व्यवस्था है, ऐसी भगवान की व्यवस्था है। ये किसी केवल किसी ने, साधु ने ऐसा कुछ कहना, ऐसा प्रचार प्रारंभ किया, ऐसी बात नहीं है। भगवान की, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान धर्म भगवान की देन है, या धर्म भगवान देते हैं, भगवान की प्रेरणा और व्यवस्था होती है धर्म के पीछे, या धर्म की रचना व्यवस्था भगवान की। तो वे भगवान कहे, गृहे थाको वन्ने थाको सदा हरि बोले राखो, फिर तो हो गया ना, फिर तो एक प्रकार की कॉम्प्रोमाइज हुई, और ये सब ऑथराइज भी है, प्रामाणिक है। तो आप घर में रहो, वन में नहीं रह सकते हो तो घर में रहो, लेकिन क्या करो, गृहे थाको वन्ने थाको सदा हरि बोले राखो, वदने हरि नाम करो रे, मुख से बोलो, क्या बोलो, हरे कृष्णा हरे राम बस। भगवान सब कुछ देते हैं तो हम तो भगवान के सारे जो उपकार है उसे, इस ऋण से उऋण या मुक्त होना है, तो बदले में क्या करना है, बस उनका नाम लेना है। भगवान ने सब कुछ दिया, जो भी दिया, क्यों कोई सीमेंट से बना है, लोहे से बना है, तो आपने बनाया क्या, आपके घर का है लोहा, तो या फिर प्रभुपाद भी कहा करते थे, आपने कारपेंटर को बुला लिया और कारपेंटर को आपने सारा मटेरियल दिया, ये लकड़ी लो, ये कीला लो, ये पेंट ले लो, और फिर जब टेबल बन गया तो अगर वो कारपेंटर कह गया दिस इज माय टेबल, तो वो सही होगा, क्योंकि सप्लायर जो, जिसने लकड़ी दी, जिसने सारा माल दिया, मसाला दिया, रंग दिया, पेंट दिया, वो मालिक की, केवल किसी ने बनाया टेबल, बनाया इसीलिए मेरा टेबल है। हाँ, तो आप लोगों ने ये घर बनाया, इसमें से कोई भी मटेरियल तो आप नहीं बनाया, न तो बना सकते हो, एक भी नहीं, तो मटेरियल के सप्लायर कौन है, ऊपर वाले, वैदरी माता जी ऊपर दिखा रही है उंगली करके, इनसे सीखो, इनके साक्षात्कार सुनो, इन्हीं का ही ट्रेनिंग है, इसीलिए ऐसे घर बना रहे और हवेली बनाने का विचार। संस्कारों से ये सब होता है, तो ये घर, तो घर का सारा मटेरियल सप्लायर तो भगवान है, भूमि अपो नल वायु खम, ये सब प्रकृति रष्टधा, मेरी प्रकृति है। जब शरीर हमारा नहीं है
तो फिर घर का क्या कहना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। तो ये गोल्डन जुबली, इस्कॉन का गोल्डन जुबली वर्ष है 50, स्वर्णिम स्वर्णिम भी आज कोई कह रहे थे, स्वर्णिम वर्ष 50th एनिवर्सरी चल रही इस्कॉन की। तो अलग अलग ओपनिंग्स एंड ऑफरिंग्स हो रहे हैं। तो ये भी एक इस्कॉन को हमारा तो है ही नहीं, हम कौन ऑफर करने वाले। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य है उनका तो ऐसा कहना था, गृहे मानस के मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। ए नंद किशोर, मेरा घर मानस, मेरा मन पर मानस, मेरा मन देह, मेरा घर गेह, मानस देह गेह या शरीर वह घर मन अर्पित हुआ पदे, मैं अर्पित समर्पित कर रहा हूँ। हे नंद किशोर स्वीकार कीजिए ऐसा भाव। तो यस ये भाव उचित है, नहीं तो फिर अंधेर कोठड़ी में हम या फिर उस घर को हम लोग बनाएंगे कारागार बनाएंगे और वहाँ वो घर की हथकड़ी वो घर की बेड़ी कई सारे भव बंधन। इसलिए नाचना चाहिए घर में, कोई हथकड़ी बेड़ी टूट जाए। जो कीर्तन में न हिलते हैं न डुलते हैं क्योंकि पूरे पूरे बांध दिया है, टाइड अप द कांट मूव। लेकिन कोई बंधन है तो फ्री होके नाचो, घर में नाचो तो फ्री रहोगे, यू विल बी एवर फ्री। और फिर तुलसी वगैरह है, तुलसी भी तुलसी वृंदावन बनाएंगे यहाँ। अच्छा तुलसी महारानी का एक विशेष मंदिर का निर्माण भी ऊपर भी है। गाय कुत्तों से सावधान। तो हाँ दूध पिलाओ उनको कहीं से। तो हुआ और मंदिर से संतों से गृहस्थों का संबंध होना चाहिए, इसी से फिर भगवान के साथ हमारे कनेक्शन जुड़ जाता है। तो सारे संतों से मंदिर से धर्म से कट ऑफ, फिर शॉर्ट सर्किट, फिर हम लोग अलग हो गए। तो मंदिर के साथ भगवान के साथ भक्तों के साथ गीता भागवत के साथ हरि नाम के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। संबंध से वैसे शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की। तो हुआ तो इस परिवार का संबंध मजबूत है,
इस कान के साथ ये घर, इस कान इस पार्ट ऑफ इस कान आई वुड से, इस कान का एक अंग है। तो प्रभुपाद घर बनाए, हम प्रभुपाद घर बनाए, कैसा घर बनाए, जिस घर में पूरा जगत रह सकता है। तो और बन रहा है और भी बढ़ता ही रहता है, एक्सपैंड होते रहता है। तो यहाँ भी बन गया वह, और फिर यहाँ से प्रचार भी हो सकता है इस क्षेत्र में, या भक्ति वृक्ष की वगैरह स्थापना हो सकती है, और भक्ति वृक्ष की शाखा फैलाओ थोड़ा, और भक्ति वृक्ष के छत्र छाया में और परिवार, यहाँ भी जो आपके कोई पड़ोसी इष्ट मित्र और उत्सव मना सकते हो, आपके ब्रज हवेली में ब्रज बिहारी रहते हैं तो जन्माष्टमी इत्यादि इत्यादि उत्सव, होली, कौन क्या बोली, प्रहलाद, राइट, यस, ऐसे या प्रहलाद भक्तों, छोटे बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, या क्लासेस के लिए ये घर, ये परिवार। पहले घर यहाँ नहीं था, वहाँ जहाँ हम पहले आए थे, तो घर तो यहाँ शिफ्ट हुआ या नया निर्माण हुआ, तो यहाँ भी क्लासेस चलेंगे छोटे बच्चों के लिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब एडमिट हो जाए, उनका रजिस्ट्रेशन, और भी घर घर जाके कुछ बुकिंग करो। समर कैंप, तो बहुत सारी फैसिलिटी है, इसका उपयोग भगवान की सेवा में। ओके, और क्या कहना चाहिए मुझे, या सब प्रसाद और आपके बीच में मैं ज़्यादा समय, श्योर, और गृहस्थों को प्रसाद वितरण करना चाहिए गृहस्थों को एक समय। अभी तो क्या कुछ नहीं रहा वो संस्कृति, कुछ नहीं। घर में गृहस्थ प्रसाद भोजन बना के भगवान को खिलाते, और फिर सर्वत्र जाके प्रसाद का वितरण किया करते हैं, या चौराहे पर कोई भूखा है, प्रसाद है, प्रसाद आइए, प्रसाद के लिए प्रसाद, तो हुआ कोई भूखा नहीं देखना चाहते गृहस्थ, ऐसा समय सभी गृहस्थ ऐसा भाव रहा करता था। और फिर सबका सब संतुष्ट हुए तो फिर अगर बचा है तो फिर आके उसको ग्रहण कर लेते, या फिर और पका के ग्रहण करते होंगे। तो वह ये प्रसाद धर्म प्रचार का बहुत मीठा अंग है, मोटा भी है मीठा भी है प्रसाद। वह प्रसाद वितरण यथासंभव, ओके, okay.
All right. धन्यवाद आप भी आए हाउस फुल हो गया पहले दिन यहाँ का शो हाउस फुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो ओके तो ऐसे ही आते बाद में दोबारा भी आ सकते हैं ना किसी को कभी भूख लगती है यहाँ से गुजर रहे हो तो हवेली में आके दर्शन प्रसाद आपका हक है हक से मांगो हरे कृष्णा